हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप नए हो मेरे यूट्यूब चैनल पे, तो मेरा नाम है जया रावत। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मैं कहाँ हूँ। मैं हूँ अपने गांव, मतलब अभी पहुँची नहीं अपने गांव में। तो मैं पहले घर से ना ब्लॉग शूट करना भूल गई थी, मतलब हड़बड़ी में, क्योंकि मेरा अचानक से प्लान बना था गांव आने का। और मैं पहुँच गई हूँ, सुबह 10 बजे की निकली हुई थी और अभी 4 बज गए हैं। तो अभी मेरे भाई आया है, कज़न भाई, हाय बोल दे। तो मेरा भाई आ रखा है मुझे लेने के लिए, क्योंकि यहाँ से चढ़ाई है, यहीं तक ही है रोड ख़त्म। ये देख रहे हो रोड टूटी फूटी सी, यहीं तक ही है रोड ख़त्म, इसके बाद ऊपर में चढ़ा। ये है यहाँ का बिनाई गधेरा। यहाँ पे ना जो बाघ है ना, बाघ वो पानी पीने के लिए आते हैं, पता है, यहाँ पे। और ये बहुत ख़तरनाक सी जगह है यार। वो वहाँ से आ रहे हैं हम, वहाँ से यहाँ तक आने में हालत ख़राब हो गई मेरी तो भाई, बहुत चढ़ाई है यार। क्या बोल रहा था तू? हाँ गाइस, पता है ये मेरी जीन्स है जो एक साइड से फट रखी है। क्या क्या हुआ? तो ये मेरे को बोल रहा कि तेरी ये जीन्स पहले से फटी थी, तूने फाड़ी है। मैंने बोला पहले से फटी थी। तो फिर उसके बाद बोल रहा कि दादी तू घर जाएगी, दादी बोलेगी तेरी जीन्स कैसे फट गई। गाइस मेरी हालत ख़राब हो गई है। मैंने इसको बोला कि थोड़ा रुकते हैं, तो इसने बोला कि यहाँ नहीं रुक सकते, थोड़ा ऊपर रुकना है। मेरी सांस फूल है, मेरी सांस फूल रही है। गांव आने का इतना मन करता है ना, अच्छा भी लगता है गांव में, पर यार ये जो चढ़ाई है ना, ये डरा देती है, फिर आने का मन नहीं करता। वो तो ऊपर मच गया, वो दिख रहा है वो नीचे रोड, वहीं से आए थे हम। भाई साहब जंगल में, पूरा जंगल है यार यहाँ पे। भाई साहब दूर दूर तक कोई इंसान नहीं दिख रहा, दूर दूर तक कोई घर नहीं दिख रहा। अभी तो हम इसी पहाड़ में ना, अभी हमने दूसरा पहाड़ जाना है इस पहाड़ से। इसको तो आदत है यार। तो गाइस अब हम थोड़ी देर बैठ गए हैं, ये वाला हम चढ़ाई करने के बाद हम यहाँ पहुँचे नौगांव में। नौगांव ये गांव है जिसका नाम है नौगांव। और इसके बाद आएगा फटनौला, एक और गांव है, उसके बाद फिर हमारा गांव जहाँ में जाना है। बहुत ज़्यादा थकान लग रही है, कैसे फेंक रखा हमने देखो सामान। वो उधर दिख रहा है, वो उधर वहाँ से आए हम। ये अब नौगांव वाटर पार्क करने के बाद ये है नौगांव का एक छोटा सा स्कूल। मतलब यहाँ पे 1 से 5 तक की शायद क्लासेस चलती है या नहीं है पता नहीं, लेकिन जब पहले तो चलती थी, अब भी चलती होगी पता नहीं। फिर दिखाती हूँ मैं आप लोगों को, अच्छा लगता है बहुत। और ना ये ही वही पॉइंट है, इस पॉइंट में पहुँचने के बाद मुझे थोड़ी सी राहत मिलती है, क्योंकि यहीं तक चढ़ाई है। ये देख रहे हो, यहीं तक चढ़ाई है, इसके बाद प्लेन रास्ता है। अभी तो यहाँ पे कैसा हो गया है, लेकिन ये बहुत प्यारा लगता था पहले। हाँ ये देखो फ्लैग लगाने वाली जगह, वो बैठ गया वहाँ। अब यहाँ से चढ़ाई नहीं है ना, यहाँ से सीधा है ना, बस ठीक है तब। गगास नदी नीचे, वो उधर ये नीचे गगास नदी, ये रही जो कि रामुंगा की पश्चिमी रामुंगा है, तो उसकी सहायक नदी है। अच्छा नीचे शिला पानी नीचे ही है ना, यही पानी होता है ना। अच्छा
एक बता, हमारे गांव में जाने का रास्ता सिलसिला पानी का भी, लेकिन वहाँ कुछ ज्यादा जंगल है ना, इसलिए हम इस साइड से हैं। यहाँ भी जंगल था, देख लिया, इससे भी खतरनाक जंगल है फिर वहाँ, और वहाँ सच में बाघ का बहुत डर रहता है। ये है वो स्कूल, ये स्कूल है ना गांव का, यहाँ 1 से 5 तक चलती है ना। हाँ। ये देखो यहाँ लिख रखा है कक्षा 1, 2, 3, वो है कक्षा 4, वो है कक्षा 5, और ये है स्टाफ रूम कार्यालय। और ये देखो कितने अच्छे से, मतलब अच्छा लगता था ना यार पुराना एकदम गांव का सिस्टम। यहाँ यहाँ प्रेयर होती होगी ना यहाँ पर, और यहाँ पे फ्लैग लगाते हैं। हमारे पापा मम्मी लोग देखेंगे इस जगह को तो उनको अपने बचपन की याद आ जाएगी, है ना, पूरी याद दिलाएगा बचपन पूरी। चलो अब तो सीधा सीधा है, अब चलते हैं हम, सीधा सीधा चढ़ाई है, बस चढ़ाई भी नहीं है, सीधा सीधा है। हाँ ये देखो, ये इसको नींबू यहाँ के देखा होगा आप लोगों ने, बहुत लोग नींबू को ऐसे काट काट के फिर मिर्ची मसाला लहसुन पीस के वगैरह पीस के खाते हैं, वो यही नींबू है। मेरी मम्मी को तो इतना पसंद है ना, मेरी मम्मी को खट्टा इतना पसंद है ना, मम्मी जब भी घर आएगी तो मम्मी इसको भेज देती है कि तू जा वो ले के आ। और ये देख ये देखो, ये है संतरा, और यहाँ पे ताऊ लोग बैठ रखे हैं सारे, बैट बॉल, ये देखो बैट बॉल खेल रहे हैं बच्चे। तो यहाँ पे ना खेलते जो बैट बॉल होता है ना, उसका जो बॉल है ना वो कैसे बनता है बता रोहित, जो मोजा नहीं होता, जुलाब होते हैं, उसका कपड़े डाल के फिर सिलाई की जाती है, उसकी सिलाई करी जाती है, फिर इन लोग बनाते हैं उसकी बॉल। ओए बॉल दिखाना, एक मिनट, एक बार बॉल दिखाना, ये दिखाती हूँ मैं आप लोगों को बॉल। ये देखो ये लोगों ने क्या किया है, मोजा होता है ना सॉक्स, पुराने सॉक्स, तो इसके अंदर ना कपड़े वपड़े बांध के फिर सील के इससे खेलते हैं ये लोग कैच। देख लिया, तो ऐसे बनाते हैं इन लोग यहाँ पे बॉल। दादी ये रहा मेरा गांव, और वो रहे मेरे सारे लोग। चाची ने पहले ही मुंह छुपा दिया कि वीडियो बना रही है। नमस्ते दादी, ये क्या लगा रखा है तुम्हारा लाइनर? मुझे पता था, बताए गाइस, हम लोग ने यही बोला था ना कि दादी ऐसी बोलेगी, दादी यही बोल रही है, फटे कपड़े फटे फाड़ के लेके आ रही है। अब मैं दिखाती हूँ अपनी दादी, ठीक है, तो ये रही मेरी दादी। हाय बोल दो, हाय। तो मैंने बताया था ना यहाँ पे ये चूल्हे में बन रही है गद्दू की सब्जी, मतलब कद्दू की सब्जी। और ये रहे मेरे स्मार्ट चाचा कुमार, देखो इसके सर में। हेलो हेलो सर में कुमार, कैसे आ रखे उसके, क्या नाम है इसका, नाम क्या है? टॉमी। कुमार कहाँ से लगा के आए तुम, तो सॉफ्ट है इसका बाल, डर गया। तो गाइस अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं, चाय आपकी चाय का है, ये देखिए सब चाय पी रहे, ये चाउमीन आ गया हमारा। दादी दादी का क्या नहीं खाना, क्यों ना, ये देखो ना ना ना, मैं तो बरकार हो गया, चाउमीन नहीं पसंद आपको ना, मने ये नहीं खाना, मने बचल के दीजिए, तो दे दिया, हो ना ना वो नहीं खाना, ये तुम चाउमीन खान का। तो गाइस ये है, इसको क्या बोलते हैं, गौशाला, क्या बोलते हैं इसे, इसको गोट, गाय का गोट, गाय का गोट। ये देखो, हेलो बेबी,
कितना प्यारा है ये, अभी अभी, अभी आया था ना ये, कुछ महीने पहले ही हुआ था ना ये, और ये इसकी माँ है। ये बड़ा प्यारा है यार, ये बहुत प्यारा है। तू ये डर भी नहीं रहा, जो पहले पहले जो इस बच्चे होते थे वो डर जाते थे। तो गाइज यहाँ पे हमारी बन रही है रोटी। ये जो लोग बाहर से देख रहे होंगे जो हमारी वीडियो, उनको अपने गांव की याद आ गई होगी। ये देखो दादी, ये हमारा गोट है। देखो यहाँ का गोट ऐसे ही होता है, गांव का मिट्टी का। कैलेंडर बोलना दादी, कंडक्टर कंडक्टर बोल रही है तू, बस का कंडक्टर। कैलेंडर बोलो, कैलेंडर। एक बार कोशिश कर, कैलेंडर। दुकान में, दुकान में जाके इनने बोला यार दादी सही है सही है। और अभी अभी मैंने आपको एक चीज सिखाया था, क्या बोलते हैं रात के खाने को, क्या बोलते हैं बोलो, डिनर। और आराम करते हैं उसको क्या बोलते हैं, अभी अभी आप कुछ बोल रही थी, आराम करो ना। हाँ इसको क्या बोल रहे थे, नहीं उसको इंग्लिश में, उससे पहले क्या बोल रहे थे आप कि दूध थोड़ी देर बाद दें, क्या करके अरे यार सही है दादी हमारी सीख रही है। एक बार फिर भी ट्राई करो, कैलेंडर एक बार, कैलेंडर। अब एक बात बोलो ऐसे ऐसे, कलेन मेरे साथ बोलो, मेरे साथ धराओ, कलेन कैलेंडर डर। हाँ बोलो कैलेंडर, हाँ बोलो खाना बन गया है। ये देखो ये दही और ये कद्दू की सब्जी, जो कि किसने बनाया है, चाचा ने। चाचा आपने बनाया ना, आपने नहीं बनाया, किसने बनाया फिर, चाची ने बनाया। और मुझे लगा कब से आप ही ऐसे ऐसे करने में लग रहे हो, क्या मुझे लगा चाचा ने बना रखा है। चाची ने बनाया, बहुत ही बढ़िया लग रही है। तो अब खाते हैं, दादी ने तो खाना शुरू किया था, दादी को भूख लग गई लग रहा। चलो अब खाते हैं फिर।